पंजाब सरकार की ओर से शुरू की गई पंजाब पुलिस पे भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन 400 के करीब उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई है, जिनमें से पहले भर्ती के लिए ट्रायल देने पहुंचे युवाओं के सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करने के साथ हाइट फिटनेस टेस्ट लिए गए। जबकि पंजाब सरकार द्वारा नई नीति को लागू करते हुए सभी युवाओं के डॉप टेस्ट किए गए। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 11 उम्मीदवारों के डॉप टेस्ट पॉजिटिव पाए गए हैं। ये भर्ती 40 दिन तक लागू रहेगी। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते एसएसपी एमके शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया के पहले दिन जिला तरनतारन के श्री गुरु अर्जन देव खेल स्टेडियम में 400 के करीब युवाओं ने अपने टेस्ट दिए हैं। चा चढ़िया होया भी भर्ती साढ़े हल्के दे विच हो रही है, तो बच्चे पूरी तैयारी करके आए हुए हैं। बच्चों इतने आके उन्होंने पहले स्क्रीनिंग की जाती है, दैन उन्होंने डॉप टेस्ट होंगे। जोड़े बच्चे डॉप टेस्ट क्लीयर करते हैं फिर उन्होंने मेजरमेंट होंगी है। मेजरमेंट तो बाद उन्होंने असी इतने ईवेंट्स लिए लिया 1600 मीटर रेस लगाई दी है, दैन लोंग जंप, दैन हाई जंप। जोड़े बच्चे क्लीयर कर जाते हैं उन्होंने फिर अगे उन्होंने रिजल्ट बना के असं अगे भेज दें। प्रोपर असी मैडिकल टीम इतने बैठी है, सिविल हॉस्पिटल डॉक्टर साहब 2 डॉक्टर बैठे ने, नाल उन्होंने मैडिकल स्टाफ बैठा है। प्रोपर इतने ट्रीटमेंट हो रहा उन्होंने, कोई इदा की प्रॉब्लम नहीं आई साढ़े को। मुंडे अच्छे ने, हैल्दी ने, डोप टेस्ट चो भी कोई इदा की गलबात नहीं आ रही। बच्चों के ठीक टेस्ट आ रहे हैं। एक दो बच्चों का जो कल भी 365 बच्चों का होया से, जिन्हों का 11 बच्चों का आया से, उस चार या पाँच बच्चों का डॉक्टर कहते भी मैडिसन लै रहे, बीमार से काफ़ी दिन तो, वो चीज़ आ रही। अदरवाइज कोई इदा की चीज़ नशे वाली इन पाई नहीं गई। 11 आए थे तो अपना उन्होंने दोबारा चांस दिता गया सगा भी जो दोबारा करवाना चाहते करवाया। जो प्रॉपर डोप टेस्ट की इतने फैसिलिटी सरकार ने दी है, वो प्रॉपर यूटिलाइज किया जा रहा है। तो उन्होंने कोई शंका नहीं होता, सामने वीडियोग्राफी करा के उन्होंने दिखा के किया जाता है, भी बच्चों क्लैरिटी करके फिर अगे भेजा।